अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से दोस्त जो हैं वो कमेंट्स करते थे, और उस दिन एक पेशावर का भी जो एक दोस्त है वो कह रहा था कि मेरी सिलाई जो है वो धागा भी काट रही है और सिलाई भी सही नहीं है, तो आप इसका कोई हल बता दें। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों को मैंने कमेंट्स में और इसी तरह मैसेज करके भी बताया है कि आपने इसको इस तरीके से करना है। आज मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये देखें, ये गूंचा भी बना रहा है, नीचे से इसकी सिलाई भी सही नहीं है, टॉप भी बहुत बड़ा टॉप कर रहा है। ये देखें, अगर आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखें, ये ऊपर की सिलाई है, ये देखें जगह जगह पर टॉप कर रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली मैं खैर आपको इस पर एक सिलाई भी बता देता हूँ कि आपने किस तरह करना है। मैं अभी आपको एक सिलाई करके बता ही देता हूँ कि आप लोगों ने चेक कर देना। ये बार बार धागा भी तोड़ रही है ना, तो आपने इसके साथ क्या करना है, ये देखें धागा भी इसने तोड़ दिया है, ठीक है। मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि अभी इस भाई की मशीन का भी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नीचे से इसकी सेटिंग मुकम्मल सही है और कुछ मसला भी नहीं है। ये देखें, यहाँ पे ले आओ कैमरा, ये देखें इसने ये धागा जो है स्प्रिंग में डाला हुआ है, ठीक है। हालांकि ये स्प्रिंग बहुत सख्त लगा हुआ है, तो अभी क्या करना है, इसने इजी काम करना है कि अगर आप कहते हैं कि हमारी सिलाई अच्छी आ जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए, तो आपने इस स्प्रिंग से धागा निकाल देना है। ये देखिए मैंने निकाल दिया, अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि स्प्रिंग में धागा नहीं डाला हुआ मैंने, ये सीधा इसके नीचे और उधर ऊपर और यहाँ पर लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं सुई में धागा डालूँगा और आपको सिलाई करके बताऊँगा। ताज़ा गेम आओ बच्चे, ये देखें अभी ये देखें, थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा अभी, ना भी ये धागा तोड़ रहा है, ठीक है, और कुछ मसला भी नहीं कर रहा। ये इसका रिवर्स है, नीचे में धागा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आपने बसरप ऊपर का यही सिस्टम करना है। देखें अभी कि आपने जो है सिर्फ ऊपर स्प्रिंग से धागा निकाल देना है इस वाले से, ठीक है। अगर आपकी सिलाई अच्छी नहीं आ रही हो या कुछ और मसला हो, तो आपने सिर्फ ऊपर से यहाँ से धागा निकाल देना और इन गाइडों में डाल देना। ये देखें अभी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और ये देखें, ये पहले वाला सिलाई था और ये स्प्रिंग वाली सिलाई थी, ये वाली, और ये जो है अभी जो स्प्रिंग से निकाली है हमने, ये वाली सिलाई है, ठीक है दोस्तों। तो यही तरीका है दोस्तों, आप बार बार पूछते हैं, इसमें इतना कोई ख़ास वजह नहीं होती, बस आपने इस स्प्रिंग का ख़ास ख्याल रखना है और इन टेंशन प्लेटों का ख़ास ख्याल रखना है बस, और इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती है।